हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हमने कर लिया चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 14, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे आज। आप लोग ही मुझे आंसर्स दोगे, राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, देन आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड बाइनोमियल इज, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आपके पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है या ट्रू फॉल्स आता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, या फिलअप्स आते हैं, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो टेक एन एग्जाम्पल एंड सॉल्व, देन यू विल गेट एन आंसर। अब हमें क्या कहा है, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, वन, राइट? और बाइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, टू। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मोनोमियल इज एक्स एंड बाइनोमियल इज 2x-5। कोई भी मैंने एग्जांपल लिया, दो टर्म्स हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? एक्स को 2x से किया, 2x² - 5 x। सो नाउ वी हैव वन एंड दिस टू टर्म्स, सो इट विल बी बाइनोमियल। जब भी एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर विल बी बाइनोमियल। नेक्स्ट वन, इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, मींस वेरिएबल्स की पावर, है ना? एक्सपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, और पावर। सो पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इज एनी अल्फाबेट, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एबीसी एटसेट्रा। सो लेट अस टेक एक्स। तो जो इसकी पावर है कह रहे हैं पॉलिनोमियल में, वो हमेशा क्या होगी? कोई भी जो है एक्सप्रेशन, वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होगा जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी। इट कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन, ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, तो दिस विल नॉट करेक्ट। सो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, सो आई एम मार्किंग इट। वाई? क्योंकि मान लो यहाँ पे तो मेरे पास है कोई भी, जैसे हमने यहाँ भी मेरे पास बाइनोमियल है, मैंने ले लिया x² + 2x + 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल। लेट अस से वी हैव अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल से 50, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट डज नॉट हैव एनी वेरिएबल। तो अगर मैं इसके साथ वेरिएबल लगाती हूँ, तो इसकी पावर क्या होती है, जीरो। एंड समथिंग रेज टू पावर जीरो, वी नो दैट इज वन, राइट? तो ये फिर से कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ही रही ना, 50। ठीक है, तो अगर मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, तो वेरिएबल की पावर इज जीरो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो वी विल राइट इन अ पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं सीधा सिर्फ पॉजिटिव लिख देती हूँ, तो जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, बिकॉज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है वो होगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने चार, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a+b (a-b) एंड लास्ट वन जो हमने पढ़ी थी, x+a (x+b). अब मुझे बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है। चलिए पहली चेक करते हैं, a-b होल स्क्वायर है। सो a-b होल स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a² + b²। तो दिस इज रॉन्ग। तो इसमें देखू a² + b² है, नेक्स्ट टर्म इज -2ab, तो यस वी हैव -2ab, सो दिस वन इज करेक्ट। a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab, राइट? चलिए नेक्स्ट वन, द सम ऑफ दिस एंड दिस, वेरी इजी, यू कैन इजीली फाइंड। आपको एड के एंड की जगह पे प्लस लगाओ, -7 + 2 लाइक टर्म्स है, सो वी कैन एड दीज टर्म्स। -7 + 2 इज -5pq, इजी वन। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमेशा पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस इन द मिडल, फिर टर्म के साथ भी एक नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देंगे कि -4xy लिख दिया या 2xy लिख दिया, सो इसे ध्यान रखेंगे। 3 और इसके आगे कुछ भी कॉफिशियंट नहीं है, मींस 1, सो 3 + 1 इज 4x²y², क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पे मूव करें। चलिए
लाइक टर्म, व्हाट आर द लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल सेम हो प्लस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए. अगर मेरे पास एक टर्म है एक्स वाई और दूसरी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो इसमें पहले तो जेड इसमें नहीं है तो ये सेम हुई नहीं, लाइक टर्म्स नहीं हुई. कॉफिशियंट में भी डिफरेंट, जो कॉन्स्टेंट टर्म है डेट में भी डिफरेंट, बट वेरिएबल और उनकी पावर सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एम क्यूब एन स्क्वायर, सो फाइंड द टर्म विच एज एम क्यूब एंड एन स्क्वायर. दिस इज द टर्म जहां एम की पावर 3 है एन की 2 है, कॉफिशियंट में भी डिफरेंट, सो दीज आर लाइक टर्म्स. क्लियर, नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल? बायनोमियल मींस विच हैज टू टर्म्स. ये हमारा पूरा एक तरह से रिवीजन हो रही है दोनों चैप्टर्स की, तो आप साथ साथ करोगे. सो सॉल्व कीजिए, 7 मल्टीप्लाई ए 7 ए प्लस ए. मैंने पहले भी कहा था जब भी मुझे क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल को कि वो मोनोमियल है बायनोमियल है ट्राइनोमियल है, तो सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होगा. मींस अगर उसमें लाइक टर्म्स है, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो भी हो रही है उन्हें पूरा सॉल्व करेंगे, देन वी विल गिव आंसर वेदर इट इज अ बायनोमियल मोनोमियल और ट्राइनोमियल. नाउ 7a प्लस a दैट इज 8a सिंगल टर्म, तो ये हमारे पास बन गई मोनोमियल, राइट. नाउ 4a तीनों मल्टीप्लाई में है, 4 3 इज 12 2 इज 24 abc, ये भी एक टर्म बन गई सिंगल टर्म, सो दिस इज अगेन अ मोनोमियल. नाउ इट हैज 3 टर्म्स, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो ये हो गई ट्राइनोमियल. Now it has two terms. अगर आप इसको ओपन करो ब्रैकेट को 6a square plus 6b, both the terms are different, so this is binomial. अब आप first a part में binomial मत लिख देना कि 7 into a plus a is binomial. तो मैं जो बताती हूँ कि यहाँ पे गलती करोगे उसे mark किया करो कि जब भी हमें classify करना है first solve and then tell whether it is a which type of polynomial. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सम फाइंड करना है, क्विकली फाइंड करेंगे एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग, जल्दी से. सिर्फ जहां जहां कॉमास या एंड है वहां पे प्लस का साइन हो जाएगा आपका, ये एंड हटा प्लस. सॉल्व इट एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. डन, वेरी इजी. अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं. माइनस के बी प्लस के बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, सी प्लस सी क्या आ गया 2c, ए बी प्लस का है, बी सी माइनस का है, ए सी माइनस का है, सो फाइंड द ऑप्शन 2c प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जल्दी से फाइंड करेंगे 9th 10th एंड 11th, वेरी इजी, सॉल्व करो, राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. प्रोडक्ट फाइंड करने, मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कीजिए. अगर सेम वेरिएबल है प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, base same add the powers. चलिए 4 7 आर, ओके पहले दो टर्म माइनस किया है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट गई. 4 7 आर 28, 7 आर 196, करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में 196 ही है. अब बचा वेरिएबल्स, p की पावर 1 यहाँ है 1 यहाँ है, बेस सेम पावर एड, सो पी स्क्वायर, q की पावर 3 और यहाँ पे है 1, 3 प्लस 1 4, पी स्क्वायर क्यू 4 इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द लेंथ एंड ब्रेथ गिवन. वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, राइट, सो फॉर्मूला अप्लाई किया एल इंटू बी, लेंथ इज गिवन 4ab, ब्रेथ इज गिवन 6b स्क्वायर, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 6 24, ए एक ही बार है, बी दो बार है, बी की पावर 2 प्लस 1 बी क्यूब, 24 ए बी क्यूब,
volume of cuboid. What is the formula for the volume of cuboid? L into B into H. Tino given hai hame. Multiply karo pehle constant term ko. 2, 3 are 6, 2 are 12. Chik hai? Now, 12 aa gaya. AB, AC aur AC. Ye bacha. A kitni baar aa raha hai? 3 baar. Tino mein 1 power hai. 1 plus 1 plus 1. B एक ही बार है, C दो बार आ रहा है, 1 plus 1 is 2. So, 12 A cube B C square. Option A is the correct one. Check your answers quickly. Done. Moving to the next one then. Okay. Product of one trinomial is given and one is monomial. So, जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उनको क्लासिफाई भी करके देख सकते हो. इससे आपका क्या होगा कि पिछला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है? So, this is a trinomial. Three different terms are there. यहाँ पे एक ही टर्म है. मल्टीप्लाई कीजिए. 2ab मोनोमियल को हम पहले लिख लेते हैं. 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab. 2 6 are 12. A की पावर 2 यहाँ है, 1 यहाँ है. एट द पावर्स A क्यूब एंड B. माइनस 2 7s are 14. A A की बार है, B की पावर 1 प्लस 1 2. प्लस 2 5s are 10. A की पावर 1 प्लस 1, B की पावर 1 प्लस 1. चेक द ऑप्शन, कहाँ पे है हमारे पास ये ऑप्शन B. Right, 12 a cube b minus 14 a b square plus 10 a square b square. Next is square of 3x minus 4. Iska square. Apply the identity here. This is a, this is b. A minus b whole square. A square plus b square. Identities अच्छे से आनी चाहिए. Next class में भी काम आएंगी. 2ab, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक काम आएंगी. 3 का स्क्वायर 9. बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, x का तो स्क्वायर लिख दिया लेकिन 3 का नहीं किया. ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनका स्क्वायर होगा. सो आंसर विल बी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2 3s are 6 4s are 24 xy. So, option D is the correct one. Which of the following are like terms? Abhi bataya tha maine like terms. Which has same variables aur unke coefficient bhi same hone chahiye. Find the term. Let us check the option A. X, Y, Z. Tino variable isme bhi hai. Lekin yahan X ki power 1 hai, yahan bhi 1 hai. यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की 2 है. सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ x की पावर 2 है, एक में 1 है, तो ये भी नहीं है. चलिए b पार्ट पे चलते हैं. xy दोनों में है, z दोनों में है एंड पावर इज सेम. सो दीज आर लाइक टर्म्स, ऑप्शन b. चेक कर लिए सबने यहाँ तक. नेक्स्ट वन करिए, तीनों क्वेश्चन फिर चेक करते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म. कोफिशिएंट लिखने हैं तो y को ऐसे लिख दो वेरिएबल की तरह. y के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस है, तो माइनस 1 अपॉन 3. सो कोफिशिएंट विल बी माइनस 1/3. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी है हमारे पास ये थर्ड, a माइनस b a प्लस b. आगे पीछे टर्म लिखी हो सकती है, हो सकता है माइनस वाली पहले लिखी हो प्लस वाली बाद में. मल्टीप्लीकेशन है सो ऑर्डर विल नॉट मैटर. नेक्स्ट वन, कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टर्म्स. 17 ए बी सी, इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 17 किसी और के टेबल में तो जाता नहीं, ए बी सी. 34 ए बी स्क्वायर, 34 के दो फैक्टर आ गए, 17 2s are 34. फिर ए बी स्क्वायर, बी दो बार है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. 51 a square b, 17 3s are 51. a square a into a, b एक बार है, so common factor है, 17 सब में आ रहा है, एक a सब में आ रहा है, एक b सब में आ रहा है. चेक कर सकते हो, 17 a and b is there,
17 A and B is there. So common factor will be 17 AB. Okay. चले next पे. चलिए square find कीजिए. Square of 9x minus 7x y square. Again apply the identity. A minus B whole square. Identity is अच्छे से आनी चाहिए. A square plus B square minus 2AB. चलिए अब देखते हैं तीन टर्म्स वाली मेरे पास C and D options है तो उन्हीं में से आंसर होगा. So 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49. तीन टर्म है यहाँ पे 7xy तीनों का स्क्वायर होगा यहाँ पे 63. तो 9 7s are 63 लेकिन साथ में 2 भी है तो D option नहीं आंसर C option ही होगा. Minus 63 into 2 126 x square y. Moving to the next one, factorized form. Factors बनाने हैं. पहली दो टर्म में से देखो कुछ कॉमन आ रहे हैं. 23x first term के साथ बचा y minus 23 twos are 46. Next दो टर्म में से 54 पहले बचा y minus 54 twos are 108. y minus 2 is a common factor. Other factor will be 23x plus 54. ध्यान से options को भी tick करना है. अब यहाँ पे इसके साथ b option में y है तो गलती से इसको tick कर दोगे तो answer wrong हो जाएगा. ठीक है तो पहले solve करो then tick the options. ये नहीं कि ऐसे ही orally कर लो और हाँ जी जी मुझे तो सब आता है और फिर बाद में पता लगे जी marks कट गए हमारे exam में. चलो नेक्स्ट करो. फैक्टराइज्ड फॉर्म स्प्लिटिंग टर्म से क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी सिखाई थी मैंने. फाइंड कीजिए जरा फैक्टर. आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 21. आर स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 1. सो 1 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई करने पे मुझे चाहिए 21 ऐड करने पे क्या चाहिए माइनस के 10. Write all the possible factors of 21. 1 into 21, 3 7s are 21. Add करने पे minus के चाहिए तो minus वाले factors भी include होंगे. दोनों negative term होंगी तब भी multiply करने पे plus का ही answer आएगा. Add कीजिए 7 plus 3 10 तो minus 3 minus 7 is minus 10. So r square minus 3r माइनस 7r प्लस 21. पहली दो टर्म में से r इज कॉमन r माइनस 3 माइनस 7 इज कॉमन r 7 3s are 21. r माइनस 3 इज अ कॉमन फैक्टर r माइनस 7. सो दोनों माइनस के फैक्टर r माइनस 3 r माइनस 7. ठीक है चले नेक्स्ट पे. ओके फैक्टराइज करना है कीजिए एंड गिव मी द फैक्टर्स. अगेन सेम वे मल्टीप्लाई करने पे चाहिए माइनस के 38. राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स 1 इनटू 38 माइनस के चाहिए तो एक टर्म नेगेटिव होगी 19 2s आर 38 इसके अलावा कहीं नहीं चाहेगा राइट या तो 1 नेगेटिव का होगा या 38 नेगेटिव का होगा या 2 नेगेटिव का होगा या माइनस 19 नेगेटिव का होगा. After adding, I want minus 17. कीजिए plus 37. 19 minus 2, 17. मुझे क्या चाहिए? Minus के 17. So क्या आया? P square plus 2P minus 19P minus 38. पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ गया? P क्या बचा? P plus 2. Minus 19, P plus 2. P plus 2 is a common factor. Other factor will be P minus 19. ध्यान देना है टिक करते हुए. अगेन कह रही हूं ऐसा ना हो कि आप माइनस P minus 2 और P plus 19 को टिक कर दो. तो ये ध्यान देना है कि माइनस का साइन कौन सी टर्म के साथ है. चलिए नेक्स्ट कीजिए. ऑन डिवाइडिंग
57 p square q r by 114 p q. 57 2s are 114, q से q कट गया. Divide वाला law of exponent, x raised to power m divided by x raised to power n किसके इक्वल होता है? x raised to power m minus 1. So p की पावर 2 minus 1, 1 और r is there. So 1 by 2 p r. Okay? Question number 23. On dividing this, अब मैं ब्रैकेट में से देखूं तो 4 भी मेरे पास कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में से. क्या बचा? p square minus 4 divided by 4p p minus 2. अब दोनों मल्टीप्लाई में है ऊपर नीचे टर्म. 4p से 4p कैंसिल हो गया. p square minus 4 को लिख सकती हूँ p square minus 2 का square. Apply the identity a square minus b square. a minus b, a plus b. डिनोमिनेटर में माइनस वाला फैक्टर है, कैंसिल हो गया. सो आंसर इज p प्लस 2. क्लियर यहां तक? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, कोई दिख रहा है आपको? इसमें a है, इसमें नहीं है, इसमें b है, इसमें नहीं है. तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स है वो भी डिफरेंट है. सो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. एन इररिड्यूसिबल फैक्टर, ये टर्म आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी. इररिड्यूसिबल मतलब जिसको और रिड्यूस ना किया जाए, ऐसा फैक्टर जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. अगर एक्स स्क्वायर को मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकती हूँ वाई इंटू वाई, 24x को कर सकती हूँ 24 इंटू एक्स. सो दिस इज द सिंगल टर्म x जिसे फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता. आपको मैं इसे 1 इंटू एक्स लिख दू, लेकिन 1 तो हर एक का ही फैक्टर है. सो x इज द फैक्टर विच कैनॉट बी फर्दर फैक्टराइज. सो इररिड्यूसिबल इज द न्यू टर्म फॉर यू. क्या इररिड्यूसिबल मीन्स जिसे हम और ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके कितने फैक्टर्स होंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर मींस ए प्लस बी इनटू ए प्लस बी. दिस इज द वन फैक्टर, दिस इज द सेकंड फैक्टर, सो इट हैज टू फैक्टर्स. और मैंने वैसे भी बताया था कि जब हमारे पास पॉलीनोमियल होती है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उसके उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस, इज देयर समथिंग कॉमन? 3 is common here. So, x 3, 8s are 24. So, these are the factors. Next, factors of x square minus 4. You can easily write. 4 is the square of something. Yes, 2 ka square. So, a square minus b square. A minus b, a plus b. So, factors are x plus 2, x minus 2. नेक्स्ट वन, डिवाइड करना है कीजिए. माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय माइनस 9 एक्स वाई. अब माइनस से माइनस कैंसल हो गया तो माइनस वाली तो ऑप्शन डायरेक्टली हट गई. 9 थ्रीज आर 27. नाउ वाई से वाई कैंसल हो गया, एक्स की पावर 2 माइनस 1 1, सो आंसर विल बी 3x. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस, फर्स्ट इक्वेशन में से देखें 2 इज कॉमन. क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज द फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस 2. एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं कर देना है, जब 2 कॉमन लिया है तो 4 का भी 2 बनेगा डिवाइड होके. नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 3x. ओके, सो पहले जो हमारे पास ट्राइनोमियल है सब में x है, मिनिमम पावर ऑफ x इज 1, तो वो कॉमन आ गया. 3, 9, 27, तीनों 3 के टेबल में जाते हैं. फर्स्ट टर्म देखें, x की पावर 3 में से एक पावर बाहर आ गई, बचा x स्क्वायर. 9 को 3 से डिवाइड किया 3, x की पावर 2 में से एक बाहर आ गई. 27 डिवाइडेड बाय 3, 9, x ऑलरेडी बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 3x, ये कट गया. क्या बचा?
x square plus 3x plus 9. 32 and 33 आप करेंगे, apply the identities and find the answer. a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर प्लस साइन है तो टर्म्स के साइन सेम रहेंगे. प्लस के 2ab माइनस के 2ab कैंसिल हो गया. सो आंसर इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे. नाउ वी हैव नेगेटिव साइन इन द मिडिल, तो जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी साइन चेंज होंगे, कर दीजिए चेंज. माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस के 2ab. सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल. 2 प्लस 2 4 ए बी. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद लाइक साइन. मुझे दो टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है जिनमें लाइक साइन हो, या तो दोनों प्लस की है या दोनों माइनस की. तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट आएगा क्या होगा? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस. तो आंसर विल बी अ पॉजिटिव टर्म. प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद अनलाइक साइन. एक प्लस की है एक माइनस की. हो सकता है माइनस की पहली हो दूसरी. सो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद अनलाइक टर्म इज अ नेगेटिव टर्म. कि एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव. ए इंटू बी प्लस सी. यहाँ पे ये ए एक्स नहीं है, हियर इट इज मल्टीप्लीकेशन, तो ये गलत लिखा हुआ है. So you will write it as a into b, then plus a into c. ये इसी के इक्वल होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. सो दिस इज बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है एक मोनोमियल और दिस इज अ बायनोमियल. तो हमने प्रोडक्ट लिखना है, दैट विल बी ए बी प्लस ए सी. नेक्स्ट वन, a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करें? ये आए. सो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. किसके लिए होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो यहां पे भी क्या आ गया? ए माइनस बी. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. नाउ यहां पे क्या आएगा? इसके लिए हम कैसे करेंगे? जब मुझे फिलअप फाइंड करना है, मींस ये वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेती हूं. ठीक है, राइट हैंड साइड आई हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ माइनस, क्योंकि ये टर्म इधर पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, साइन चेंज होगा. अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो अगले स्टेप में. ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ओपन द ब्रैकेट नाउ. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस. कैंसल हो गया, क्या बचा? 2ab माइनस 2b स्क्वायर. तो यहां आएगा 2ab माइनस 2b स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट वन, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab. अप्लाई करो फॉर्मूला. a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस टू ए बी इज गिवेन, तो ये तो कैंसिल हो गया. क्या आंसर बचा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी की थी हमने ये भी. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूं. चले नेक्स्ट पे. प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है. दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी अ पॉलिनोमियल अगेन. ठीक है, कॉमन फैक्टर फाइंड कर लीजिए. ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स एक्स, बी एक्स के फैक्टर्स बी इंटू एक्स. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? एक्स. फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस कुछ कॉमन है. Mn is common. 10 और 18 किसी एक टेबल पे जाते हैं, 2. So 2 mn, this is common.
राइट। तो उसके बाद देखिए क्या बचा ब्रैकेट में, 2 9s are 18, Mn already बाहर आ चुका है, plus 2 5s are 10, Mn is outside, so P left, so 9 plus 5 P. Factorized form of this, इसको जैसे मैंने आपको सिखाया था splitting the middle term, आप उससे भी find कर सकते हो, identities भी apply कर सकते हो, जैसे हमने NCERT की exercise में किया भी था, लेकिन identity हमारे पास तभी apply होगी जब A और B दोनों किसी number के square होंगे. Let's check. Now 4, 2 का स्क्वायर होता है, so 2y square. 9, 3 का स्क्वायर होता है, right? मिडल में माइनस साइन है, so a square plus b square minus 2ab. ठीक है, 4 2 का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकती हूँ 2y होल स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, मिडल में माइनस है तो माइनस 2ab प्रॉपर्टी होती है. चेक करो, 2 2s are 4 3s are 12y, यही टर्म है, इट मींस ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, a माइनस b होल स्क्वायर. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2y माइनस 3. आप चाहो तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वे से भी कर सकते हो. जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओगे तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे y स्क्वायर के आगे 4 इज द कोफिशिएंट, तो 4 9s are 36, मल्टीप्लाई करने पे मुझे 36 चाहिए, 9 के फैक्टर्स नहीं बनाने अकेले, मल्टीप्लाई किसको करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर या x स्क्वायर, द टर्म विच हैज डिग्री 2 एंड कांस्टेंट टर्म, उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है. ओके, तो किसी भी वे से आप कर सकते हो. नेक्स्ट वन, 38x³y²z / 19xy² y स्क्वायर टर्म कैंसिल, 19 2s are 38, x क्यूब में से एक x माइनस हुआ x स्क्वायर, सो 2x² z. Volume of rectangular box with length, width and height. So formula will be L into B into H. 2x into 3y into 4z. 2 3s are 6. 4s are 24. X, Y, Z. Next one. Identity laga rahi hai yahan pe. A square minus B square. A minus B. A plus B. 67 minus 37 is 30, multiply 7 plus 7, 14, 6 plus 3, 9 and 1, 10. 104 को 3 से multiply कीजिए, 4 3 is 12, so 3 1 2 0. Next question, again identity, a square minus b square, a minus b यहां लिखा है, तो यहां आप क्या लिखोगे, a plus b. एड कीजिए, 205 मल्टीप्लाई 1, सो आंसर विल बी 205. नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड दिस एंड दिस, सो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या होती है, लेंथ एंड विथ, सो एरिया इज एल इन टू बी, मल्टीप्लाई कीजिए 4x square into 3y square. 4 3s are 12. X square, y square. Volume of rectangular box with length, breadth and height. Same hai. So volume is L into B into H. 2 2s are 4. 2s are 8. X base is same. Multiply hai. Power add. 1 plus 1 plus 1, 3 bar, so x cube. Coefficient of this term will be minus 37. Number of terms in the expression, be careful. Here we have multiply sign. So this is a single term plus BCD. So number of terms are 2, not 3. So dhyan rakhne wali baat hai. Sum of एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर, दो स्क्वेयर की साइड गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, साइड स्क्वेयर, तो एक स्क्वेयर की साइड
दूसरे स्क्वायर की साइड, उनका सम फाइंड करना है। 4 + 4 = 16, ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर। यू कैन टेक 16 कॉमन, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज बेस्ड ऑन डैश प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे हमने पिछले फिलअप में किया था ना, ए इंटू बी प्लस सी, तो कॉमन फैक्टर ये आ गया। तो ओके, कॉमन फैक्टर मेथड में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन 9 बाय स्क्वायर, एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, राइट? तो दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर एक तरह से कैंसिल हो गया, तो साइड क्या आई हमारे पास? 3y। ऑन सिंप्लीफिकेशन, न्यूमिरेटर में अगर हम देखें 3 इज कॉमन, क्या बचा? x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो सिंप्लीफिकेशन पे हमें क्या आंसर मिला? x प्लस 1। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, 2 इज कॉमन, x, 2s आर 4, सो फैक्टर्स आर 2 एंड x प्लस 2y। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? नो, ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास में, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सो बाय बाय फॉर द टुडे, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर।